अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल आप सबके, तो आपको वेलकम करते हैं आज की नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत बहुत माजरत यार, मैं काफ़ी दिनों से अनएक्टिव था यूट्यूब पे। वजह यही थी कि मैं काफ़ी मसरूफ़ चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि आपको पता है बकरों का सीज़न भी आ गया इस वक्त, तो उस वजह से भी मसरूफियत थी। और कुछ एक दो मसले भी हो गए थे तो उस वजह से भी मसरूफियत थी। बाकी आप लोगों को पता है पोल्ट्री के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि फैज़ भैया अपने यहाँ एहतिकाब पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा हारिस भी अभी आजकल काफ़ी मसरूफ़ चल रहा है यूनिवर्सिटी की वजह से और एक दो कामों की वजह से, तो वीडियो नहीं आ पा रही थी। कहने का मकसद यही था कि अभी और ऊपर से दूसरा रमज़ान भी चल रहा है, तो आपको पता है बंदे को सुस्ती कितनी हो रही होती है। इस चक्कर में हो रहा है हमसे ना थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। बाकी यही है कि आप लोगों की दुआएं चाहिए, कि जल्द अज़ जल्द हमारी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। और बाकी ये है कि कल की वीडियो में भी देखा है काफ़ी भाइयों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अच्छा, मेरी एक और रिक्वेस्ट ये थी आप सबसे कि आप लोग वीडियो देखते हैं, काफ़ी भाई हैं कि वो जो वीडियो देखते हैं लेकिन वो ये है कि अपनी राय का इजहार नहीं करते। काइंडली आप लोग अपनी एक राय दे दिया करें, मतलब कैसी वीडियो कैसी बन रही है, कैसी लग रही है आप लोगों को, उस हिसाब से ना आप बता दिया करें, फिर उस हिसाब से हम अपनी वीडियो क्वालिटी और बोलने का तरीका बाकी सब कुछ हम थोड़ा बेहतर करें। और इसके अलावा ये कि आज हमने देनी थी आप लोगों को एक थोड़ी सी अपडेट, पाई डफ्स के ऊपर एक ऑफ़र निकाली है वो भी आप लोगों को बतानी थी। बाकी ये है कि पहले मैं आपको फाइटर वाला शेड ही दिखा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल दाना पानी करते हुए जल्दी जल्दी में ना मैं चाबी अंदर भूल गया और यहाँ पर इसका ताला लग गया। तो ये है कि पाइटर्स के ऊपर ऑफ़र देते हैं। बाकी ये कि दो बड़े सरप्राइज़ आने वाले हैं ईद के बाद आप लोगों के लिए, और वो सरप्राइज़ कुछ ऐसे हैं कि वो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और हमारे लिए भी होंगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह, कुछ नए फार्म्स बनने वाले हैं दो, तो वो भी दिखेंगे आपको। बाकी ये लवबर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पेयर है। अच्छा, लवबर्ड्स का मैंने नहीं दिया था आप लोगों को, तो लवबर्ड्स का दे देता हूँ। देखिए मेरे पास ये लगा हुआ है, ये पेयर पेल फेलो ग्रीन ऑफलाइन टू पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, सही है। और इसके अलावा ये कि अच्छा, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पहले सारे लवबर्ड्स एक शेड में नहीं थे, कुछ लवबर्ड्स इस सामने वाले शेड में थे और कुछ लवबर्ड्स इस वाले शेड में थे। तो मसला ये हुआ था मेरे पास इस सीज़न में कि आपको पता है आपने देखा होगा कि फैज़ के पास भी ना डव और लवबर्ड्स अलग करके रखे हुए हैं, तो वजह सारी यही है उनकी कि ये जो डव के पर गिरते हैं ना, पर गिरने की वजह से जो डव को तो खैर कोई नुकसान नहीं होता लेकिन मसला ये सारा हो जाता है इनके साथ, आपका लवबर्ड्स के साथ। ये लवबर्ड्स की जैसे आपको मैं दिखाऊं, इसकी ये जो फीमेल है इसकी आँख देख सकते हैं आप लोग, इसकी आँख नहीं है। तो ये हुआ ये था कि मेरे पास आ गया था आई फ्लूज की वजह से ना, और पूरा सीज़न मेरा लवबर्ड्स का ज़ाया ही है क्योंकि मेरे पास पूरे सीज़न में ना इस सीज़न पूरे लवबर्ड्स के खाली ये दो पट्टे हैं, सही है, ये भी पट्टे आए हैं लेकिन माशाल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है ये भी आ गए। बाक़ी इसके अलावा ये कि आपका ये क्रीमियों का मेल देख सकते हैं आप लोग। बाकी मैं आपको पहले लवबर्ड्स पूरे दिखाता हूँ, उसके बाद ये कि एक ऑफ़र भी है, रमज़ान ऑफ़र है जो ईद की 7 तारीख तक होगी, मतलब ईद के 7वें दिन तक होगी। बाकी सबसे पहले मैं आपको अपना पेयर दिखाता हूँ ये वाला, देखिए ये हमारा लगा हुआ है एल्बिनो रेड आई टू स्प्लिटिनो, सही है। इसका सेकेंड क्लच आया है मेरे पास और अभी इसने लिंक की हुई है, आप देख सकते हैं लिंक इसने की हुई है। अब मेरे ख्याल से अंडे नज़र नहीं आ रहे इसमें, हाँ ये रहे, तो इसने भी लिंक कर दी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। खैर अभी सीज़न ख़त्म होने वाला है लेकिन यही है कि इसने लिंक कर दी है मेरे पास, सही है। बाकी दोबारा मेरा आ जाता है एल्बिनो रेड टू स्प्लिट का पेयर, सही है। आप रेड आई का मेल देख सकते हैं इसका और स्प्लिट की फीमेल भी देख सकते हैं, और उसके अलावा इसने भी मेरे ख्याल से लिंक की हुई थी, हो सकता है हैचिंग हो गई हो, तो ये देख लें आप लोग, इसकी भी हैचिंग होने वाली है इंशाल्लाह, इसने भी 5 अंडे दिए हैं। और उसके अलावा फिर हमारा अगेन ये आ जाता है, अच्छा ये हमारे पास है स्प्लिट का मेल है हमारे पास इधर, और एल्बिनो रेड आई की फीमेल है, सही है। अच्छा मैं भी इस पेयर के साथ या इसके अलावा दूसरे पेयर के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, और नहीं नहीं वो दूसरा पेयर था, मैं आपको उस पेयर खाऊँगा तो दिखाऊँगा। अच्छा इस पेयर ने भी हमारे पास ब्रीड की है,
लेकिन मसला ये कि इस सीज़न बहुत ज़्यादा अनफर्टिलिटी और उसके अलावा ये कि डेड एंड शेल हुआ है। अच्छा, मेरे पास तकरीबन जो है ना पट्टे अंडों से निकल के भी 45-45 पट्टे जो है ना एल्बिनो रेडाई भी थे, जिसमें क्रीमिनो भी थे, पेस्टेलिनो भी थे, उसके अलावा पेल फेलो तक थे, स्प्लिट पेल फेलो थे, विजुअल पेल फेलो तक बने। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेयर आता है वो आता है एल्बिनो रेडाई टू स्प्लिटिनो। फिर दोबारा मेरे पास ज़्यादातर क्वान्टिटी जो है ना एल्बिनो रेडाई टू स्प्लिट की लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस पेयर ने भी मेरे पास ब्रीड की थी और इसका एक पट्ठा निकला है अभी मेरे पास ना, जो आपको नीचे दो पट्ठे दिखाएं वो दोनों में से एक पट्ठा इस पेयर का और एक पट्ठा इस ऊपर वाले पेयर का, सही है। अच्छा, इसने दोबारा माशाल्लाह ब्रीड कर दी है मेरे पास, ठीक है। इसने एक अंडा दे दिया, अब देखें क्या होता है इंशाल्लाह। बाकी ये है कि मे भी हो सकता है ये वाली जो क्लच है ना ये सारे बर्ड्स का ख़राब हो जाए, क्योंकि जैसी गर्मी हो रही है अभी ना। और इसके अलावा दोबारा ये वाला, अच्छा ये वाला जी ये भी रेड टू स्प्लिट का पेयर है। अच्छा, इस पेयर के साथ क्या हुआ था, आप इस मादी की ना आप टांग देख सकते हैं, टांग नहीं है। अच्छा, वो इंसिडेंट कुछ ऐसे हुआ था, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, सही है। ये मादी बॉक्स में जाती थी, दो मिनट ज़रा, ये मादी ना बॉक्स में, इसने लिंक की थी, मादी बॉक्स में आना जाना बहुत था। तो उस वक़्त ये जो तार है ना, ये वाली तार, ये खैर अब तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन ये वाली तार खुल गई थी और उसमें इसकी रिंग फंस गई थी, और रिंग फंसने की वजह से इसकी टांग ज़ाया हो गई थी मेरे पास। और अभी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं रही मेरे पास ये वाली मादी, लेकिन खैर है, इसको उड़ा तो सकते नहीं है। बाकी ये कि इसको हमने रखा हुआ है, देखते हैं अल्लाह माले के क्या होता है इसके साथ। और बाकी ये बॉक्स जो है हम लगा देते हैं, चलें बॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट पेयर जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा क्रीमिनो टू एल्बिनो स्प्लिटिनो, सही है। एल्बिनो रेडाई स्प्लिट, सही है, रेडाई का स्प्लिट है, फीमेल है, फीमेल बाहर आ गई है और इसने भी लिंक की हुई है, इस पेयर ने भी, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। अच्छा, इस पेयर ने भी लिंक की हुई है हमारे पास, सही है। इस पेयर का सेकंड क्लच है, फर्स्ट क्लच इसने भी ज़ाया कर दिया था। इसके अलावा फिर हमारे पास ये पट्ठे आ जाते हैं, ये दो पट्ठे, सही है। ये जो दो पट्ठे हैं, एक पट्ठा तो मैंने आपको बताया था इस पेयर का है, सही है, और इसके अलावा एक पट्ठा जो है ना इस पेयर का है, सही है। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो टू पार्बलो अपलाइन स्प्लिट पेयर फैलो, सही है। अच्छा ये पेयर जो है ना मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, इसने दो क्लच दिए थे, इसके दोनों क्लच आए हुए हैं मेरे पास डेड एंड शेल, और एक दफ़ा हुए थे तो ये था कि बच्चे पैदा होते ही ना हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये आ गया है हमारा नेक्स्ट पेयर, ये है आपका पेस्टेलिनो टू एल्बिनो रेडाई, ठीक है। इसमें भी जो मेल है उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा हल्का हो गया। अच्छा, इसने लिंक की हुई थी लेकिन लिंक नहीं की हुई थी। अच्छा, ये बॉक्स अभी भी खाली है, सही है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, हमारा नेक्स्ट पेयर जो आता है वो एल्बिनो रेडाई टू रेडाई आता है। अच्छा, इसकी अभी तक कोई ब्रीड नहीं है फिलहाल, सही है, और लिंक भी नहीं है इसकी। नेक्स्ट पेयर जो आता है हमारा आ जाता है दोबारा ये पेस्टेलिनो टू एल्बिनो रेडाई, सही है, पेस्टेलिनो एल्बिनो रेडाई, सही है। इस पेयर ने मेरे ख्याल से लिंक की हुई थी, नहीं, इस पेयर ने लिंक नहीं की हुई है, सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है पार्ब्लू स्प्लिटिनो टू एल्बिनो रेडाई आता है, सही है। बाकी ये कि इसकी फिजिबिलिटी भी शेयर करूँगा मैं आपको इसी वीडियो में, और ये पेयर है, सही है। और इसके अलावा नेक्स्ट पेयर जो आता है वो आता है आपका एल्बिनो रेडाई टू पेस्टेलिनो, सही है, ये पेस्टेलिनो। अच्छा, मेरे पास ना ज़्यादातर क्वान्टिटी में जो पेयर लगे हैं ना एल्बिनो टू पार्ब्लू या फिर स्प्लिटिनो, अच्छा पेल फेलो मेरे पास थे, दो तीन पेयर थे, लेकिन वो मैंने सेल कर दिए थे क्योंकि मुझे ना पेल फेलो में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने सेल कर दिए। अच्छा, ये जो हमारे पास लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है एल्बिनो रेडाई टू रेडाई, सही है। मेरे पास काफ़ी पेयर थे, ये जो दो पिंजरे हैं 8-8-16 ऐसे, मेरे पास चार पिंजरे चारों के चारों भरे पड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि मेरे पास आई फ्लू आ गया था, वो जो आपको बताया था ना डफ, और मैंने ये साथ साथ रखे हुए थे इस जगह पे जो था ना, ये वाली जगह जो पूरी है, इधर डफ का पिंजरा था, लेकिन यही हुआ कि वो उसकी मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत लॉस हो गया हमें। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कवर कर लेंगे इस चीज़ को। बाकी ये डफ पे अल्हम्दुलिल्लाह में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो ये कि लॉस फील नहीं होता। खैर, बर्ड्स के काम पे या लाइफ स्टॉक के काम पे अगर आप लॉस से डरते हो तो फिर आप कभी भी नहीं करो, मतलब अगर आप छोटा दिल रखते हैं तो आप कभी भी ये काम नहीं करें। बाकी ये कि यार जो जो वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली तो पूरी वीडियो देखा करें, और दूसरा ये कि यार कमेंट कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हमें बता दिया करें कि वीडियो कैसी लग रही है,
और वीडियो क्वालिटी कैसी है। बाकी ये है कि फैज़ भाई के लिए भी दुआ करिएगा, फैज़ भाई आप लोगों को दुआओं में याद रखते हैं। कल मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, तो वो यही कह रहे थे कि कैसा चल रहा है चैनल वगैरह, तो मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बाकी ये कि वीडियो को जितना हो सकते हैं ना उतना शेयर करें, ताकि ये कि फैज़ भाई जब इतकाफ़ से उठें तो उनको भी खुशी हो कि उन अल्लाह के रास्ते में गए हैं और फिर वापस आए, तो वो ऐसा फील नहीं करें कि वो चल सही है इसको कट कर देंगे। अच्छा सही है, बाकी आपका ये हमारा पूरा हो गया शेड, सही है ये हमारा पूरा हो गया, ये लबर्ड्स का शेड पूरा हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये है कि अभी मैं आपको दिखा पाइड का शेड ना बाहर से दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो ताला वगैरह लग गया, अभी मैं देखता हूँ उसका क्या करना है ना, तो उसके बाद देखते हैं। और उसके अलावा ये कि यार पाइड के ऊपर एक ऑफ़र भी है, सही है, अभी मैंने कुछ पेयर और भी परचेज़ किए थे वो भी दिखाने थे, लेकिन ये मसला हो गया। और इसके अलावा मैंने कुछ पेयर और परचेज़ किए थे डायमंड पाइड के और रेड पाइड के। और इसके अलावा ये कि पाइड के ऊपर ऑफ़र है, ऑफ़र कुछ यूँ है कि डायमंड पाइड का पट्टा अगर आप एक लेंगे तो वो 3500 रुपये का पड़ेगा, और मैं ब्रीडर दिखा के दूंगा, सही है, ये जितने भी मैं पट्टे दूंगा वो आपको ब्रीडर दिखा के दूंगा। ये ऑफ़र खाली हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो यूट्यूब से आएगा खाली उसको मिलेंगे, सही है। 3500 रुपये का एक पट्टा मिलेगा, अगर आप 5 से ज़्यादा लेंगे तो फिर 3000 रुपये का पट्टा मिलेगा, और उसके अलावा रेड पाइट का पट्टा जो है वो आपको मिलेगा 14000 रुपये का, सही है, और वो भी स्पॉटेड पट्टा 2.5 महीने का, सही है। और अगर क्वान्टिटी लेंगे मतलब 4 या 5 लेंगे, 4 या 5 पट्टे लेंगे तो आपको वो पड़ेंगे 14000 का एक पट्टा पड़ेगा। उसके अलावा ये है कि 5 पट्टे लेंगे तो आपको पड़ेगा वो 11000 रुपये का, सही है, 11000 रुपये का एक पट्टा पड़ेगा। उसके अलावा ब्लू पाइट का ये हिसाब किताब है, ब्लू पाइट का अगर आप एक पट्टा लेंगे तो 17000 रुपये का, और अगर एक से ज़्यादा लेंगे तो वो पड़ेंगे आपको मतलब 5 लेंगे, मतलब कम से कम अगर आप ज़्यादा 5 लेंगे या 5 से ज़्यादा लेंगे, 5 से ज़्यादा लेंगे तो और भी डिस्काउंट होगा, अगर एक ही पट्टा लेंगे तो सॉरी 5 लेंगे तो 5 में आपको पड़ेगा वो पट्टा आपको 15000 रुपये का, सही है। बाकी ये कि आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, बाकी एक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पाइड की अपडेट दूंगा, नए पेयर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, हो सका तो मैं वीडियो बना दूंगा और ऐड कर दूंगा वीडियो, और नहीं हो सका तो ये कि आज के लिए वीडियो इतनी थी। बाकी ये कि फार्म अपडेट भी देनी है इंशाल्लाह आप लोगों को, तो वो भी देंगे। बाकी ये कि कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको शेड्स का अपने, तो ये हमारा लबर्ड्स का शेड और ये हमारा डब का शेड, सही है। और बाकी ये कि आज की वीडियो के लिए इतना ही था, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा वीडियो को लाइक भी लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ सही कर रहे हैं, तो हम अपनी सारी चीज़ें प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल लेके चलें, सही है। बाकी ये कि आज की वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।